हाँ जी चल गया चालू हो गया ना ओके अच्छो गुड आफ्टरनून आई एम श्योर यू आर डूइंग गुड एंड होप दिस फास्ट ट्रैक इज बेनिफिटिंग यू इन मेनी वेज यस टिल दिस टाइम वॉट वी हैव डन प्लीज़ चेक टिल दिस टाइम वॉट वी हैव डन प्लीज़ चेक हमने सबसे पहले अब तक कंप्लीट कर चुका है वैसे अगर मैं इस पर बात ना करूँ मैं सीधा इसी पे बात करूँ तो क्या पेंडिंग है राइट right? सबसे पहले हमारा पबजी पेंडिंग है येस yes. इसके बाद हमारा एग्जामिशन पेंडिंग हो जाएगा इसके बाद हमारा एडवांस टैक्स पेंडिंग हो जाएगा फिर एच पी और आई एफ एस जैसे बहुत बड़े हेड हमारे बाकी हैं बराबर है ना फिर क्लबिंग जैसे बड़े चैप्टर्स हमारा वेट कर रहे हैं फिर आर ओ आई ए एम टी एंड आई गेस टोटल इनकम यानी अगर आप देखेंगे इसके बाद लॉजिकली सिर्फ एक बड़ा चैप्टर बचता है वो है पी जी वी पी यस yes, बाकी छोटे 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 टॉपिक है या तो बहुत मेडीकल टॉपिक है जो आराम से कंप्लीट होंगे तो जो हम टारगेट लेकर के चल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू डेट्स वो आराम से कंप्लीट होते मेरे को दिख रहा है यस ओ नो चलिए आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं डिडक्शंस की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं डिडक्शंस की और यहाँ पे एक छोटे से मोटिवेशन के साथ चालू करते हैं गो विद चॉइस विद स्केर्यर्यस यू द मोस्ट बिकॉज इट इज़ द वन दैट इज गोइंग टू हेल्प यू ग्रो जो चीज़ में सबसे ज़्यादा डर लगे उस चीज़ को सबसे पहले करो सिंपल रूल है क्योंकि अगर तुम्हारा उस चीज़ का डर ही खत्म हो गया तो तुम अनकंट्रोलेबल रहोगे ये yes नो no? अगर वो डर ही खत्म हो गया तो तुम अनकंट्रोलेबल रहोगे तो उस चीज़ को थोड़ा सा फेस ज़रूर करना पड़ेगा उससे भागना नहीं पड़ेगा अच्छा जी शुरुआत करते हैं डिडक्शन्स के साथ अब क्या चेंज हुआ है फॉर द पर्पज़ ऑफ मे ट्वेंटी एंड नवंबर ट्वेंटी प्लीज़ ध्यान से सुनिए राइट देखिए अगर मैं डिडक्शंस की बात करूँ तो चैप्टर सिक्स ए के जो डिडक्शन्स है राइट ये 115 बीएससी ऑप्ट करने पे जनरली मिलते नहीं एक्सेप्ट द फ्यू सेक्शन विच हैज़ बीन स्पेसिफाइड और अमेंडमेंट के नाम पे यहाँ पे सिर्फ एक ही सेक्शन आया है एटी सी सी एच नाम का एक सेक्शन आया है यस yes, अदरवाइज़ मोटे मोटे तौर पे डिडक्शन क्या है सेम राइट right? तो जब भी आप कोई डिडक्शन क्लेम करेंगे या प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त तो मन में आया कि डिडक्शन क्लेम भी करना है अगेन यू हैव टू चेक द प्रॉब्लम कि आर दे ऑप्टिंग और नॉट ऑप्टिंग फॉर 115 एंड फिफ्टीन बी येस मोस्टली डिडक्शन के चैप्टर में हमारे लिखने वाला जो एस्पेक्ट है ये बहुत कम है क्यों क्योंकि Uh, जो नोट्स है उसको बहुत कंसाइज करके रखा है तो लिखने वाला जो एस्पेक्ट है वो बहुत कम है एक्सेप्ट द फ्यू जगह जहाँ शायद हम लोग कुछ लिखे येस yes? तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बात करते हैं डिडक्शंस की ये जो है ये कहाँ से मिल रहे हैं फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम ये कहाँ से मिल रहा है ग्रॉस टोटल इनकम से ये डिडक्शन मिल रहे हैं फर्दर दूसरी बात डिडक्शन जो है ये जनरली एटी सी टू एटी यू तक के पूरे के पूरे कवर है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिडक्शन के नॉट एक्सीड ग्रॉस टोटल इनकम इन एनी केस मान लो अगर आप ऑप्टऊट भी कर देते इन ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाइड द डिडक्शन विल नॉट इन एनी केस एक्सीड ग्रॉस टोटल इनकम ये सोनो एटी ए सी कहता है नो डिडक्शन वुड बी अलाउड टू टैक्सपेयर इफ इनकम टैक्स रिटर्न इज नॉट फाइल्ड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट अंडर सेक्शन वन थर्टी नाइन वन यस अब ये है चैप्टर सिक्स ए पार्ट सी वाले डिडक्शन राइट चैप्टर सिक्स से पार्ट सी वाले डिडक्शन ये कहता है कि अगर आपको डिडक्शन क्लेम करना है अगर आपको क्या करना है ये डिडक्शन क्लेम करना है तो आपको रिटर्न टाइम पे भरना जरूरी है तो चैप्टर सिक्स से आपको क्लेम करना है तो आपको रिटर्न जो है ये टाइम पे भरना बहुत जरूरी है डिडक्शन इन इनकम से अवेलेबल नहीं है डिडक्शन इन पर्टिकुलर इनकम से अवेलेबल नहीं है पहला कैपिटल गेन कहीं पड़ा पड़ा सा लग रहा है हम लोग को यस कैपिटल गेन हेड से आपको डिडक्शन मिलते नहीं राइट right? तो इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं सपोज तुम्हारा ग्रॉस टोटल इनकम में पीजीबीपी है एचपी और कैपिटल गेन भी है कैपिटल गेन कंपोनेंट को छोड़ के बच्चे वे जो इनकम है उससे ही डिडक्शन मिलेंगे ऐसा भी बोला तो चलेगा ना यस yes, दूसरा है कैजुअल इनकम आप जानते हैं कैजुअल इनकम केस में विनिंग टैक्सेबल है क्या टैक्सेबल है विनिंग इस साल से कैजुअल इनकम के बाजू एक और चीज आ जाएगी ऑनलाइन गेम्स ये yes येसोनो no? तो ऑनलाइन गेम्स में से भी आपको कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है फिर है स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन थर्टी फाइव एडी याद है स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन थर्टी फाइव एडी उसमें से भी नहीं मिलते एनआर के प्रिजमटिव इनकम और एनआर के ट्वेल्व ए चैप्टर के जो है उससे भी नहीं मिलते वेल लॉजिकली स्पीकिंग डी और ई आपने फोकस मत रखना क्योंकि आपको एनआर टैक्सेशन है ही नहीं तो लॉजिकली जो आपके पास लिए ध्यान में रखने लायक पॉइंट है पहला डिडक्शन किस में से नहीं मिलता कैपिटल गेन में से नहीं मिलता कैजुअल इनकम से नहीं मिलता स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम से नहीं मिलता ये तीन चीजें आपने मेनली याद रखनी है इनमें से डिडक्शन मिलता नहीं है क्लियर है मालिक चलिए सबसे पहले डिडक्शन पे जाते हैं द फर्स्ट डिडक्शन इज ए टी 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 ए द फर्स्ट डिडक्शन इज ए टी 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 ए अब जरा समझिए टी टी ए किसके ऊपर एप्लीकेबल है टी टी ए इज एप्लीकेबल ऑन डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट जो सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर में आप पहली बार सेविंग बैंक अकाउंट का अकाउंट ओपन हो सकते हैं सर बैंक में सेविंग बैंक अकाउंट ओपन हो सकता है कोऑपरेटिव में सेविंग बैंक अकाउंट ओपन हो सकता है पोस्ट ऑफिस में भी यू कैन ओपन अ सेविंग बैंक अकाउंट यस अगर सेविंग बैंक अकाउंट है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है जनरल रूल दिस इंटरेस्ट इज टैक्सेबल इन आई एफ ओ एस yes? तो जो भी सेविंग बैंक अकाउंट है सेविंग बैंक अकाउंट का जब भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है एडजस्टमेंट नंबर वन आप इसको आई में टैक्स करेंगे एडजस्टमेंट नंबर वन आप इसको क्या करेंगे आई में टैक्स करेंगे और फिर इसमें से आप क्या लेंगे टोटल इनकम निकालेंगे क्रॉस टोटल इनकम में से आप डिडक्शन क्लेम करेंगे अंडर एटी टी

राइट right? तो इसमें कहीं कोई चेंज नहीं आया है या आपने नवंबर 23 के लिए जो पढ़ा था ये वही है या मई 24 नवंबर 24 के लिए जो पढ़ा था वही है अससी कौन होना चाहिए सर अससी होना चाहिए इंडिविजुअल या एच यू एफ अदर देन सीनियर सिटीजन इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए जो बैंक पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव से आई है डिडक्शन कितना मिलेगा इंटरेस्ट अर्न और टेन थाउजेंड विच एवर इज लोअर ये सोनो अब जैसा आपको याद है हमने टीडीएस का एक टेबल बनाया था यस yes, वैसा टेबल आप एक रजिस्टर में बना सकते हैं ताकि आपको यू नो शॉर्ट नोट्स भी बन जाए और काम भी हो जाए यस yes, तो डिडक्शन पढ़ने से बेटर अगर आप एक टेबल से रीड कर लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा तो कैसा एक फॉर्मेट बनाइए रजिस्टर में एक फॉर्मेट बना दीजिए सेक्शन नंबर पर्टिक्यूलर्स डिडक्शन और रिमार्क ऐसा एक टेबल बना दीजिए बराबर लगभग लगभग दो पेज का यह टेबल रहेगा पहुंच गए चलो पहला मेंशन करो ए टी 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 ए याद रखने का बड़ा सिंपल तरीका है तेरा ट्रांजैक्शन अकाउंट मतलब देखिए इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है पर आप सेक्शंस को याद रख पाओगे हम हमारे सेविंग बैंक अकाउंट में ही क्या करते हैं इंटरेस्ट ऑन करते हैं तो तेरा ट्रांजैक्शन अकाउंट टी टी ए सेविंग बैंक अकाउंट ठीक है तो एटी टी टी, टी ए इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट डिडक्शन एक्चुअल टेन थाउजेंड एवर इज लोअर रिमार्क के अंदर में आई ऑब्लिक एच यूएफ कर दो आई ऑब्लिक एच यूएफ ब्रैकेट में लिखना नॉन सीनियर आई ऑब्लिक एच यूएफ ब्रैकेट में लिखना नॉन सीनियर डन बेटा पहला सेक्शन खत्म याद रखिएगा 115 एंड डिडक्शन मिलता नहीं अब सुनो डिडक्शन के मैक्सिमम चैप्टर ही नहीं मिलते तो जो मिलते रहेंगे ना हम सिर्फ उसमें लिखेंगे अवेलेबल फॉर हंड्रेड एंड फिफ्टीन समझ में आया अब इस चैप्टर के लिए स्ट्रेटेजी जो है ये बदल दो अब हर जगह नहीं लिखते बैठना नॉट अवेलेबल नॉट अवेलेबल हमको पता है नॉट अवेलेबल जहां मिलेंगे सिर्फ उसको लिखेंगे स्पेसिफिकली अवेलेबल और नॉट अवेलेबल समझ में आया चलो आ जाओ इसी का एक भाई सेक्शन है इसका भाई भाई सेक्शन है ए टी टी बी इसका भाई भाई सेक्शन क्या है बोलो जल्दी से ए टी टी बी ऑन द नेक्स्ट पेज आपको ए टी टी बी लिखा हुआ मिल जाएगा अब ये ए टी टी बी क्या है यस, सीनियर सिटीजन के लिए है आपने देखा होगा ए टी टी सीनियर सिटीजन के लिए नहीं है पर ए टी टी बी सीनियर सिटीजन के लिए है तो ऐसा इंडिविजुअल जो रेसिडेंट है और सीनियर या सुपर सीनियर सिटीजन है Right? अब आप सोच के देखिए सीनियर का जो पैसा है ये लॉजिकली दो ही जगह पे वही इंटरेस्ट इनकम राइट right? पर ये डिपॉजिट से आया हुआ है तो उसने जो डिपॉजिट किया है एफडी के फॉर्म में या सेविंग बैंक अकाउंट किया है। क्योंकि जनरली नॉन सीनियर्स एफडी नहीं करते इसीलिए उनको सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट रखा है लेकिन सीनियर सिटीजन की बात जहां आती है वहां इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट वर्ड यूज किया है कौन सा वर्ड यूज किया है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट वर्ड यूज किया हुआ है राइट प्लस एक हायर डिडक्शन दिया है एक्चुअल और फिफ्टी थाउजेंड एवर इज लोअर सुनना थोड़ा सा इंटरलिंकिंग करता हूं देख कोई बैंक है जो क्या करता है इंटरेस्ट देता है सीनियर सिटीजन को बराबर है कि नहीं है बैंक तेरे को नहीं लगता वन नाइनटी ए के तहत टीडीएस करेगा और सीनियर सिटीज़न के लिए लिमिट कितनी है पचास हज़ार याद आ रहेगा क्योंकि पचास हजार तक का डिडक्शन सीनियर सिटीज़न को अलाउड है इसीलिए 194 ए की जो लिमिट है वो पचास हज़ार है अब सीनियर सिटीज़न की जिम्मेदारी क्या है सबसे पहले इसे आई के अंदर में क्या दिखाना पड़ेगा इनकम और फिर उसको लेना पड़ेगा ए टी 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 बी इफ ही इज नॉट ऑप्टिंग फॉर हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए सी बात समझ में आई सभी को यस yes, तो एक बार चेक कर लीजिए अससी इंडिविजुअल रेसिडेंट सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन एज द केस में इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स जब मैं किसकी बात कर रहा हूं डिपॉजिट मतलब हम बात कर रहे हैं सेविंग अकाउंट हम बात कर रहे हैं एफ जो बैंक से मिली है कोऑपरेटिव से मिली है पोस्ट ऑफिस से मिली है कितना डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट और फिफ्टी थाउजेंड एवर इज लोअर करस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट वन नाइनटी फोर ए में की गई टी डी एस इज रिक्वायर्ड इफ इंटरेस्ट एक्सीड्स फिफ्टी थाउजेंड इज अ डन शॉर्टकट में जाओ ए टी 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 बी इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स डिपॉजिट्स के नीचे अंडरलाइन करना खुद के लिए चाहते हो तो सेविंग ऑब्लिक एफ भी लिख सकते हो यस yes, आज एक छोटा सा प्राउड मोमेंट भी है मेरे लिए राइट ए आई आर सिक्स ए आई आर सेवन एंड ए आई आर फिफ्टीन सी एम ए फाइनल इज फ्रॉम इकतवा मकैनियन यस मैं चाहता हूँ आप भी जरूर आए मेहनत करें ऐसा नहीं है कि भैया यू नो you know, अटेम्प्ट के बाद आ नहीं सकता या ऐसा कुछ आ सकता है मेहनत आपकी रैंक आपका यस yes? चलो क्या लिखा आपने इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स फिर एक्चुअल और फिफ्टी थाउजेंड एवर इज लोअर लास्ट में लिखो आई ओब्लिक आर ओब्लिक सीनियर सिटीजन मतलब इंडिविजुअल रेसिडेंट सीनियर सिटीजन आए ऑब्लिक आर ओब्लिक सीनियर सिटीजन इज दिस डन चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं ए टी जी जी बी नेक्स्ट सेक्शन पे चलते है, -G -G पे हैं ए टी जी जी बी ऊपर वाले पेज पे है एटी जी जी बी ए टी जी जी बी याद रखने का तरीका गो गो बिजनेस आज हम सभी देख रहे हैं कि अगर आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ करना है पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत जरूरी है ऐसा नो कई बार आपके पॉलिटिकल कनेक्शन इतने स्ट्रांग हो सकते हैं या आपके पॉलिटिकल कनेक्शन इतने स्ट्रांग है तो आप अचानक से वर्ल्ड टॉप रिचेस्ट में भी आ सकते हो दो तो तीन साल में ये yes सोनो no? दो तीन साल के अंदर में भी आप टॉप रिचेस्ट में आ सकते हो ये सोनो सुप्रीम कोर्ट से भी क्लीन चिट मिल सकता है तो टॉप कनेक्शन होने बहुत जरूरी है तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा कोई भी इंडियन कंपनी पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्ट्रोल ट्रस्ट को डोनेशन दे रही है उस इंडियन कंपनी को डिडक्शन मिलेगा हंड्रेड उस इंडियन कंपनी को क्या मिलेगा बेटा Reduction मिलेगा हंड्रेड परसेंट एक ही कंडीशन है इट शुड नॉट बी पेड इन कैश यस तो अब जरा ध्यान से सुनिए इसको इंटरलिंकिंग करते हैं मान करके चलिए राइट right? एक है अबानी ग्रुप बराबर है अबानी ग्रुप क्या करता है एक्सजेपी नाम की पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन करता है इस सारी नाम और बातें काल्पनिक है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं अगर ऐसा कोई पार्टी पाया गया या व्यक्ति पाया गया तो वो केवल नाम संजोग होगा यस yes? तो मान करके चलिए अबानी ग्रुप क्या करता है एक्सजेपी पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन करता है अब मुझे एक बात बताइए इनके लिए तो एक्सपेंडिचर है हा या ना अलाउड या डिसअलाउड अलाउड या डिसअलाउड वाइल कंप्यूटिंग पीजीबीपी वाइल कंप्यूटिंग पी जी बी पी अलाउ या डिसअलाउ पी जी कंप्यूट करते वक्त डिसअलाउ ऐसा सेक्शन 37 में लिखा है पी जी करते वक्त ये डिसअलाउ होता है क्योंकि ये बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है ये सो नो तो इनको अगर लेना है तो डिडक्शन चैप्टर में आना पड़ता और एट्टी जी जी बी क्लेम करना पड़ता तो पी जी कंप्यूट करते वक्त पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन को एडबैक करना होगा और ग्रॉस टोटल इनकम के वक्त डिडक्शन लेना होगा बच्चे बेसिक गलती ये कर देते हैं कि पीजीबीपी से माइनस कर देते हैं अब एडजस्टमेंट उनको पता है कि डिडक्शन मिलना है पर वो गलत जगह डिडक्शन ले लेते हैं जिसके कारण मार्क्स कटते हैं पीजीबीपी कंप्यूट करते वक्त आपको बैक करना है और टोटल इनकम से आपको क्या करना है लेस अंडर एटी ये समझ में आया चलिए और डीप में चलते हैं पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन जो एक्सजेपी पॉलिटिकल पार्टी को मिल रहा है ये क्या होता है ये आप मेरे साथ सीए फाइनल में सीखेंगे सीए फाइनल में एक पूरा चैप्टर है टैक्सेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल पार्टी को जितना कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है ना ये पूरा का पूरा क्या होता है बेटा एग्जम्ट होता है अंडर सेक्शन टेन थर्टी अंडर सेक्शन थर्टीन है तो पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन जो पॉलिटिकल पार्टी को मिल रहा है वो एग्जम्ट है देने वाला भी सुखी लेने वाला भी सुखी समझ में आ रही बात सो so, सेक्शन 80 जीजीबी इंडियन कंपनी पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्ट्रोल ट्रस्ट को कंट्रीब्यूट कर रही है हंड्रेड परसेंट अलाउड एज डिडक्शन शुड नॉट बी पेड इन कैश कैश में पे करने का नहीं ठीक है मालिक अच्छा जी सर चलिए रजिस्टर में जाओ एटी जी जी बी एटी जी जी बी डोनेशन टू पीपी बाय इंडियन कंपनी आई होप आप अंडरस्टैंड कर लेंगे पीपी डोनेशन टू पीपी बाय इंडियन कंपनी डोनेशन टू पीपी बाय इंडियन कंपनी हाईलाइट द इंडियन कंपनी वर्ड बाय इंडियन कंपनी एनी अमाउंट डिडक्शन के फिगर्स में लिखे एनी अमाउंट लास्ट में रिमार्क में लिखे नॉट पेड इन कैश नॉट पेड इन कैश बराबर है आइए इसी का एक ब्रदर सेक्शन है एटी जीजीसी मान लीजिए इंडियन कंपनी को छोड़ के किसी भी अदर वे असेसी ने पॉलिटिकल पार्टी कॉन्ट्रीब्यूट किया तो फॉर एग्जांपल विजय साडा एज एन इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्ट्रीब्यूट किया तो ये yes सुनो no. मान लो कोई बहुत बड़ी यात्रा निकाल रहे थे पॉलिटिकल पार्टी मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार कंट्रीब्यूट करना चाहिए ये सुनो हाँ जो भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि नहीं यार मैं घूमने नहीं जा पा रहा कोई तो घूम रहा है चलो ठीक है लेट्स कंट्रीब्यूट बराबर है कि नहीं मैंने बोला लेट्स कॉन्ट्रीब्यूट सोशल कॉज में हेल्प करो अपना नहीं हो रहा किसी और को तो हेल्प करो क्योंकि क्या होता है कई बार आ, ओन सेल्फ रिसर्च नहीं होता तो डोनेट कर दो <laughs> तो अब मुझे बताइए अब मुझे बताइए कोई भी अदर एस अदर देन इंडियन कंपनी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्ट्रॉल ट्रस्ट को दे रही है 100 परसेंट अलाउडेज डिडक्शन दोनों सेक्शन सेम है सिर्फ एस का फर्क है एटी जी, जी, जी भी में इंडियन कंपनी कवर है जीजीसी में ऑल एस एस सी अदर देन इंडियन कंपनी कवर है समझ में आ रही बात बाकी एवरीथिंग रिमेन सेम सो एनी एस इंडियन कंपनी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्ट्रॉनिक को दे रही है 100 provided, बरे बरे? हम तभी ले पाएंगे वेन यू डू ऑप्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट स्कीम यस और नो इसका भी रिडक्शन 115 एंड से मिलता नहीं रजिस्टर में जाओ एटी जी जी सी डोनेशन टू पीपी बाय अदर एसएससी अदर एस के नीचे अंडरलाइन करो डोनेशन टू पीपी बाय अदर एस एस सी वन एन द सेम वर्ड है इज द जन चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं एटी यू नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं एटी यू अब ये ए यू वर्ड क्या है कहाँ से आया है और क्या रोल प्ले करता है ध्यान से सुनिए सर एटी यू इफ द असेसी इज हैंडी कैप याद रखने का तरीका यूनिकली एबल्ड यूनिकली एबल्ड अब ये ए टी यू क्या बोलता है मान करके चलिए अगर असेसी हैंडी कैप है अगर एस एस सी क्या है बेटा हैंडी कैप है अगर एस एसी कौन है बेटा हैंडी कैप और वो कोई इनकम जनरेट कर रहा है यह हैंडीकैप का उसके पास क्या है बेटा सर्टिफिकेट है तो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल है सेवेंटी फाइव थाउजेंड का नॉन सीवियर डिसेबिलिटी का वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का सीवियर डिसेबिलिटी का अब जहां जहां पे भी इस पूरे चैप्टर में मैं सीवियर डिसेबिलिटी वर्ड यूज करूंगा मतलब एट्टी और मोर की डिसेबिलिटी सर कैसे आइडेंटिफाई होगा कि कोई डिसेबिलिटी एट्टी परसेंट या नहीं जैसे सर मैं भी मानता हूं मेरा दोस्त डिसेबल है तो कैसे आइडेंटिफाई किया मैंने सर कैसे आइडेंटिफाई किया मैंने देखिए ये मस्ती वस्ती की बात अलग है मस्ती वस्ती की बात अलग है पर एक्चुअली ये जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डीन है वो प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डीन है वो प्रोवाइड करते हैं तो सर्टिफिकेट पे मेंशनड होता है कि यू नो कितना डिसेबल है क्या डिसेबल है एटसेट्रा तो वहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन होती है उस सर्टिफिकेट के हिसाब से अगर 80 परसेंट या ज़्यादा की डिसेबिलिटी है तो सीवियर डिसेबिलिटी मानते नहीं तो नॉन सीवियर डिसेबिलिटी मानते मान लो प्रॉब्लम में डिसेबिलिटी बोला है लेकिन ये नहीं बताया कि सीवियर है या नहीं है आप नॉन सीवियर अज्यूम कर लेंगे आप क्या एज्यूम कर लेंगे नॉन सीवियर एज्यूम कर लेंगे इस सेक्शन का भी बेनिफिट तभी मिलता है वेन यू ऑप्ट आउट ऑफ हंड्रेड एंड फिफ्टीन अच्छा मुझे एक बात बताइए थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा अदर देन इंडिविजुअल कोई डिसेबल हो सकता है पर्सन की कैटेगरी में तो ये बेनिफिट कि किसको मिलने वाला है इंडिविजुअल ऐसा ना कंपनी का कोई डिसेबल नहीं हो सकता इंडिविजुअल बीइंग रेसिडेंट इंडिविजुअल बीइंग रेसिडेंट सर्टिफाइड बाय मेडिकल अथॉरिटी सर्टिफाइड बाय मेडिकल अथॉरिटी राइट अदर देन सीवियर डिसेबिलिटी स्टैंडर्ड डिडक्शन सेवेंटी फाइव थाउजेंड सीवियर डिसेबिलिटी एट्टी परसेंट और मोर क्या हो जाता है बेटा वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इस डिसेबिलिटी के लिए इस डिसेबिलिटी के लिए आपका स्पेसिफिकली कोई खर्चा करना जरूरी नहीं है यस yes? अवेलेबल तभी है वेन यू ऑप्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट स्कीम यस चलिए जाइए एट्टी यू डी कैप असेसी सेक्शन 80 को आप हैंडी कैप के नाम से भी याद रखोगे तो काम हो जाएगा हैंडीकैप असेसी सेवेंटी फाइव के ऑब्लिक वन ट्वेंटी फाइव के सेवेंटी फाइव के ऑब्लिक वन ट्वेंटी फाइव के यस सेवेंटी फाइव थाउजेंड और वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड लास्ट में जाके लिखिए आए ब्रैकेट में आर दैट इज इंडिविजुअल ही मस्ट बी रेसिडेंट लीजिए आपके एग्जाम के लिए बहुत बड़ा शॉर्टकट रेडी है ये मैंने ऑलरेडी डी टी चार्ट के अंदर में भी करके रखा है एटी यू हो गया बहुत बढ़िया बेटा अब चलते हैं एटी डी डी के ऊपर एवरीबॉडी कम टू दी अनादर सेक्शन एटी डी अब देखिए एट्टी यू में किसका डिसेबल होना जरूरी है एस का डिसेबल होना जरूरी है एट्टी डी में अगर एस का कोई रिलेटिव डिसेबल है और एस उसके ऊपर खर्चा करता है तो डिडक्शन मिलेगा ये सोनो मान लीजिए मेरे कोई रिलेटिव है जो डिसेबल है और विजय उनके ऊपर खर्चा कर रहा है तो विजय को एट्टी डी के अंदर में डिडक्शन मिलेगा राइट तो जिसके ऊपर खर्चा हो रहा है उसको नहीं जो खर्चा कर रहा है उसको डिडक्शन मिलेगा पहली बात अब आपके मन में एकदम फालतू सवाल आया है जो आज तक के इंस्टीट्यूट जब से बना इस हिस्ट्री में नहीं पूछा गया है कि मान लो एस खुद हैंडी है और वो किसी और के लिए एक्सपेंसेज इनकर कर रहा है तो डिडक्शन मिलेगा क्या ये आपकी खुद की दिमाग के दिमाग की उपज है इंस्टीट्यूट जब से बना तब से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया बट फिर भी जवाब ये है वो खुद के लिए ए यू क्लेम करेगा और दूसरे के ऊपर जो खर्चा कर रहा है उसका ए टी क्लेम करेगा होता ऐसा है ठीक है पर इंस्टीट्यूट नहीं पूछता लेट्स फोकस ऑन एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच ठीक है इंस्टीट्यूट बहुत क्लियरली पूछता एस एस का अगर कोई रिलेटिव डिसेबल है क्या डिडक्शन मिलेगा आंसर क्या आना चाहिए यस डिडक्शन मिल जाएगा अब खर्चा कौन करना चाहिए इंडिविजुअल या एच खर्चा कर सकता है क्योंकि एच के अंदर में भी बहुत सारे लोग होते हैं तो इंडिविजुअल या एच खर्चा कर सकता है हु में भी रेसिडेंट यस yes. अब आपको खर्चा करना है अब खर्चे के नाम पे पे दो चीज अलाउड है पहला या तो उनका मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर आपने खर्चा किया हो या फिर उनके नाम से आपने डिपॉजिट किए हो इन अप्रूव्ड स्कीम तो यहाँ पे दो चीज़ें कवर्ड है पहला आपने उनके ऊपर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट खर्चा किया हो दूसरा आपने डिपॉजिट किया हो इन एन अप्रूव्ड स्कीम उनके नाम से आपने क्या किया बेटा अप्रूव्ड स्कीम के अंदर में खर्चा किया है इट शुड प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ एन्यूटी और लमसम इन द इवेंट ऑफ डेथ और अटेंडिंग द एज ऑफ सिक्सटी ईयर्स और अबाउ ये पॉलिसी वो पॉलिसी हो सकती है जो लमसम पेमेंट डेथ पे प्रोवाइड करे इस तरह की कोई पॉलिसी हो सकती है या ही आप सिक्सटी इयर्स अचीव करेंगे उस टाइम पर पे आपको पेमेंट मिलेगा ऐसी कोई पॉलिसी भी होगी तो भी चलेगा ये yes no? तो अगर किसी इंडिविजुअल ने किसी हैंडी कैप या उसके रिलेटिव के लिए डिसेबिलिटी में है वो खर्चा किया अगेन सेवेंटी फाइव थाउजेंड वन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो बताइए विजय ने अपने रिलेटिव के ऊपर खर्चा किया हु इज डिसेबल हु डिसेबल विजय को डिडक्शन मिलेगा यस yes. कितना सेवेंटी फाइव थाउजेंड सीवियर डिसेबिलिटी होगी तो वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड यस तो डिसेबल है यू उसका कोई रिलेटिव डिसेबल है डी डी तो याद रखने का तरीका डिसेबल डिपेंडेंट डी डी डिसेबल डिपेंडेंट समझ में आ रही बात डिसेबल डिपेंडेंट आपको इस डिडक्शन को लेने के लिए एक्चुअली खर्चा करना पड़ेगा यस yes? अब ध्यान से सुनिए इस बात को क्योंकि इंस्टीट्यूट यहीं घुमाता है आपने रिलेटिव के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बीस हजार खर्चा किया डिडक्शन कितना मिलेगा पूरे सेवेंटी फाइव थाउजेंड यहाँ पे एक्चुअल और सेवेंटी फाइव एवर इज लोअर नहीं है यहाँ पूरा का पूरा सेवेंटी फाइव है तो इवन इफ यू एक्सपेंड ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ यू गेट द डिडक्शन ऑफ सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज़ समझ में आ रही बात तो बस आपको थोड़ा सा खर्चा करना और पूरा डिडक्शन लेके जाना है सर मैंने ज्यादा खर्चा कर दिया तो लेट से मैंने दो लाख रुपए खर्चा किया तो स्टिल डिडक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड टू सेवेंटी फाइव आर यू गेटिंग द पॉइंट यहां एक्चुअल एक्सपेंसिस कितना किया उससे कोई लेन नहीं एक्चुअली एक्सपेंस किया ये जरूरी है समझ में आई बात एक्चुअली कितना खर्चा किया वो रिलेवेंट नहीं है ये yes सोनो no? अच्छा जी सर हाँ जी लेते ही है दो तीन लोग एक पे ही लेते आई मीन टू से अगर कोई एक व्यक्ति रिलेटिव है जो डिसेबल है राइट तो दो से तीन व्यक्ति क्लेम करते हैं ये सो नो हाँ ए आएगा ए बोलेगा तुम तीनों कैसे क्लेम कर रहे तो हो सकता है वो ये बोले कि भैया एक जन पूरा खर्चा नहीं दे सकता उसका भी घर वाया रिलेटिव है ना उसका खुद का भी घर है सर तीनों ने मिलकर के कॉन्ट्रीब्यूट किया डिडक्शन को आप डिसअलाउ नहीं कर सकते यस हाँ तीनों को मिलेगा क्यों नहीं लेने तीनों आए थे ना <laughs> बराबर है रिलेटिव में कौन कौन आ सकता है रिलेटिव में कौन कौन आ सकता है ध्यान से सुनिएगा रिलेटिव के अंदर में माँ बाप भाई, भाई बहन बीवी बच्चे तीनों कवर है पहला फैमिली ट्री इमेजिन करो ऊपर कौन माँ बाप फिर भाई बहन फिर बीवी बच्चे तीनों कवर है तो पेरेंट्स सर पेरेंट्स मतलब खुद के या वाइफ के खुद के उसके पप्पा को पप्पा मजबूरी में बोलते बराबर है ना तो पहला पेरेंट्स दूसरा स्पाउस तीसरा ब्रदर एंड सिस्टर एच यू एफ केस में कोई भी फैमिली मेंबर बराबर है चलो रजिस्टर में जाओ यस, ए डीडी डी डी Expenses on disabled dependent expenses on disabled dependent mm, seventy five one twenty five K सेवेंटी फाइव के वन ट्वेंटी फाइव के लास्ट में लिखिए आई ऑब्लिक एच यूएफ ब्रैकेट में आर आई ऑब्लिक एच यूएफ ब्रैकेट में आर ठीक है उसी के नीचे लाइन में लिखिए डिपेंडेंट मींस उसी के नीचे लाइन में लिखिए डिपेंडेंट मीन्स पेरेंट्स स्पाउस ब्रदर सिस्टर चिल्ड्रंस ब्रो चलिए मस्ती मस्ती में देखिए सेक्शन भी कंप्लीट हुए जा रहे हैं और काम भी हो रहा है नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट आता है ए डी डी बी याद रखने का तरीका डरावनी डरावनी बीमारियां कैसे याद रखोगे बोलो डरावनी डरावनी बीमारियां अब ये डरावनी डरावनी बीमारियां क्या होती है अब देखिए अगर अससी ध्यान से सुनिएगा अगर अससी के किसी रिलेटिव को डरावनी डरावनी बीमारियां हो जाती है सर डरावनी डरावनी पहली तो खैर आपको पता ही है दूसरी हार्ट अटैक ब्रेन हैमरेज एट्सेट्रा ऐसी जो भी भयानक बीमारियां हैं जो रूल इलेवन डी में कवर है जो रूल इलेवन डी में कवर है यस प्लीज़ ऐसा मत कहिएगा सर मेरे दोस्त को इश्क की बीमारी है हर दूसरी से इश्क हो जाता है क्या ये इस सेक्शन में आ सकता है नहीं आ सकता बिकॉज फ्रेंड इज़ नॉट अ रिलेटिव ये बात अलग है हम उसको बोलते भाई है मेरा है ना बच्चा है मेरा ठीक है चलो सुनो सो so, बात समझना बात समझना यहां पे भी रिलेटिव का मतलब वही है माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चे यस अगर उनके ट्रीटमेंट पे आपने कोई खर्चा किया है तो डिडक्शन मिलेगा अब ये सेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है प्लीज समझना ठीक है अगेन इफ यू ऑप्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट स्कीम यस अगेन इफ यू ऑप्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट स्कीम तो कोई भी इंडिविजुअल एच जो रेसिडेंट है एक्चुअली एक्सपेंसेस इनकर कर रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट के ऑफ अ स्पेसिफाइड डिसीज ऐसे डिसीज़ जो रूल इलेवन डी में लिखे हैं नाउ इंस्टीट्यूट डोंट रिक्वायर यू टू अंडरस्टैंड डिसीज कौन कौन से है डिसीज खत्म यस अब एग्जाम में स्पेसिफाइड डिसीज के नाम से पूछ लिया जाता है अब आपने स्पेसिफाइड डिसीज के लिए कोई खर्चा किया है यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअल और मैक्सिमम विचेवर इज लोअर समझ में ही बात तो मान लीजिए मान लीजिए एक्स असेसी ने अपने किसी रिलेटिव के लिए के लिए कैंसर ट्रीटमेंट पे खर्चा किया तो एक्चुअल एक्सपेंसेस और फोर्टी थाउजेंड लोअर अब वही रिलेटिव अगर सीनियर सिटीजन है जिसपे खर्चा हो रहा है वो जिसपे खर्चा हो रहा है अगर वो सीनियर सिटीजन है तो एक्चुअल और वन लैखेवरीज लोअर

अच्छा जी डिडक्शन तभी मिलेगा जब आप एक्चुअली कोई खर्चा करेंगे तो आपको एक्चुअल खर्चा करना जरूरी है इंडिविजुअल के केस में राइट कौन कौन कवर हो रहा है सर स्पाउस पेरेंट्स चिल्ड्रन ब्रदर सब कवर हो रहे हैं एच के केस में एनी मेंबर कवर है एचओ के केस में एनी के मेंबर कवर है तो चलिए ए टी डी डी बी डी बी स्पेसिफाइड disease, स्पेसिफाइड disease, बराबर है स्पेसिफाइड डिसीज अब बताइए उसके आगे क्या लिखेंगे सुनो एक्चुअल और फोर्टी देखो एक्चुअल को ए लिखो शॉर्ट में करने बता रहा हूँ एक्चुअल को ए लिखो और फोर्टी के विच एवर इज लोअर उसके नीचे ब्रैकेट में लिखना नॉन सीनियर फिर अगले लाइन में लिखना ए और वन लैक उसके नीचे ब्रैकेट में लिखना सीनियर सिटीज़न सीनियर और वेरी सीनियर बेटा दोनों के लिए लिमिट यही है ऐसा इस पर्टिकुलर केस के अंदर में इस तरीके से कुछ लिखा हुआ नहीं है ज ए डन एक्चुअल और फोर्टी थाउजेंड विचवर इज लोअर फॉर नॉन सीनियर एक्चुअल और वन लैकवर इज लोअर फॉर सीनियर लास्ट में लिखिए आई ऑब्लिक एचूए में आर आई ऑब्लिक एचूए ब्रैकेट में आर यस चलो लेट्स हैव अ क्विक रिविजन सबसे पहले हमने क्या पढ़ा ए टी 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 ए विच टॉक्स अबाउट सेविंग अकाउंट ए टी 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 बी विच टॉक्स अबाउट इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स देन ए टी जी जी बी पॉलिटिकल पार्टी बाय एन इंडियन कंपनी हंड्रेड परसेंट ए सी का भाई एटी जी जी सी अदर एस एसी पॉलिटिकल पार्टी हंड्रेड परसेंट दोनों में एक बेसिक कंडीशन है डू नॉट पे इन कैश फिर था एटी यू यूनिकली एबल्ड मतलब असि डिसेबल सेवेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव एटी डिपेंडेंट सेवेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव डी डी बी स्पेसिफाइड डिसीज एक्चुअल फोर्टी एवर इज लोअर एक्चुअल वन लैक एवर इज लोअर अब तक जितने भी सेक्शन पढ़े सभी के सभी तभी बेनिफिट मिलेंगे वेन यू ऑप्ट आउट ऑफ हंड्रेड एंड क्लियर बी ब्रो? सी क्लियर गोइंग टू नेक्स्ट सेक्शन। यस। गोइंग टू द नेक्स्ट सेक्शन एटी ई इंटरेस्ट ऑन एजुकेशनल लोन टी इंटरेस्ट ऑन एजुकेशनल लोन ई फॉर एजुकेशन ठीक है ई फॉर एजुकेशन देखिए ये किस बारे में है। आप बैंक लोन लेकर के अगर एजुकेशन करते हैं और बैंक को इंटरेस्ट पे करते हैं द इंटरेस्ट विच इज पेड टू बैंक इज अलाउड एज डिडक्शन ये सोनो दो बातें सीए करने के लिए लोन नहीं मिलता इट्स नॉट अ फुल टाइम कोर्स सी ए के लिए लोन नहीं मिलता बैंक से इट इज़ नॉट अ फुल टाइम कोर्स यू आर इन टू पार्ट टाइम डिस्टेंस लर्निंग कोर्स ऐसा मैं नहीं किताबें कहती हैं ये मैं तो जानता ही हूँ आप तो ओवर टाइम एंगेज हो पार्ट टाइम नहीं आप तो ओवर टाइम एंगेज हो और कई बार तो ऐसा होता है साढ़े छः के लेक्चर को सात बजे तक बैठते हो समझ में आ रही वो अलग बात है पर लॉ ऐसा नहीं मानता बिकॉज हम कभी भी किसी भी कोर्स को फुल टाइम कोर्स तब कहते हैं वेन देर इज अ प्रॉपर फिक्स कॉलेज समझ मारी बात कोई प्रॉपर फिक्स कॉलेज हो तुम्हारा तो जो फिक्स कॉलेज है उसमें भी तुम अनफिक्स हो बराबर है कि नहीं सीधा कब जाते हो जिस दिन एग्जाम है उसके दो घंटे पहले पहले जाके पूछते आज पेपर क्या है बराबर है फिर सिलेबस भेज रहे भाई क्या है और फिर जाके इतना लिख के आते हैं जो साल भर कॉलेज अटेंड किया उससे ज्यादा तुम लिख के आते और फिर तुमको मार्क्स मिलते तुम खुद ही शौक हो जाते ये मेरा है मैं कैसे पास हो सकता हूं है ना हम सब ने ऐसे ही किया है हम सब ने ऐसे ही किया है राइट तो मतलब अगर मेरे से जेन्यनली पूछेंगे ना कि मैंने मेरे इकोनॉमिक्स के पेपर में क्या लिख के आया है मेरे को सच में नहीं मालूम मैंने क्या लिख के आया है स्टिल आई मैंने बोला बस ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और जेन्य मैंने क्या लिखा है मेरे को खुद को याद नहीं कि हाँ यार ये या मैंने लिख के आया होगा ई ई फॉर एजुकेशन अगर आपने बैंक लोन लिया और इंटरेस्ट पे किया तो ये इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हैं दैट इज अलाउड एज दूसरी बात ये लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना जरूरी है आपने रिलेटिव से लोन लेके उसको इंटरेस्ट दिया देर इज नो डिडक्शन यस तो ये जो लोन भी लेना है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है बराबर है दूसरी बात दूसरी बात सर ये कौन से एजुकेशन के लिए लेना है एनी एजुकेशन आफ्टर एस एस सी राइट तो एस एस सी के बाद कोई भी कोर्स वो कर रहा है चाहे वो डिप्लोमा या डिग्री हो डेंट मैटर आप उसके एजुकेशन के का इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सर ये किसके एजुकेशन की बात चल रही क्या इसमें स्पाउस के एजुकेशन के लिए बेनिफिट अलाउड है यस, ये अलाउड है बच्चे के एजुकेशन के लिए अलाउड है येस yes. इनफैक्ट अगर आप किसी के लीगल गार्डियन भी है उसका एजुकेशन भी आप करवा रहे हैं तो उसका भी डिडक्शन आपको मिल जाएगा तो यहाँ पे हम किस किसके डिडक्शन की बात कर रहे हैं स्पाउस एजुकेशन चिल्ड्रंस एजुकेशन और एनी जिसके आप क्या हो लीगल गार्डियन सो अगर हम कोई इंटरेस्ट पे करते हैं बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को तो डिडक्शन मिलेगा सर ये डिडक्शन कितने साल मिलता है सर ये डिडक्शन कितने साल तक के मिलता है सर ये जो डिडक्शन है ये आपको मिलता है एट इयर्स अब ये एट कहाँ से आया मैं वो भी बता देता हूँ एमबीबीएस प्लस एमडी टोटल पीरियड एट बनता है और वही सबसे लेंदीएस्ट कोर्स है टफेस्ट की बात नहीं करूँ लेंदीएस्ट ठीक है तो वो सबसे लेंदीएस्ट कोर्स है इसलिए वो एट ईयर्स तक के बनाया गया है एट ईयर्स तक के आप इसका रीपेमेंट करके डिडक्शन ले सकते हो येस ऑनो चलिए अच्छा अब पढ़ाई कौन करेगा इंडिविजुअल यानी दिस सेक्शन विल बी अवेलेबल ओनली टू इंडिविजुअल दैट टू रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट मैटर और रिलेटिव एजुकेशन एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड ओनली इंटरेस्ट इज अलाउड प्रिंसिपल इज नॉट अलाउड डिडक्शन इज अवेलेबल फ्रॉम द ईयर ऑफ स्टार्टिंग द रीपेमेंट एंड सेवन ईयर सक्सेडिंग असेसमेंट ईयर यानी इन टोटल कितना ईयर बन जाता है वो एट यस डिडक्शन में रिलेटिव में कौन कौन आएगा सर स्पाउस चिल्ड्रेन फॉर होम जैस की मेमोमेंट एक लैग आ रहा है जैस की मेमोमेंट एटी ई इंटरेस्ट ऑन एजुकेशनल लोन ए टी ई इंटरेस्ट ऑन एजुकेशनल लोन हंड्रेड परसेंट यह आप लिख सकते हैं एनी अमाउंट एनी अमाउंट और लास्ट में आपने दो चीज लिखनी है पहला लोन आउट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन आउट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिमार्क में लिखना है लोन आउट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और दूसरे में लिखना है ई एजुकेशन ऑफ स्पाउस चिल्ड्रन एंड टू होम देखिए आया बेटा सभी ऑनलाइन वालों एक बार क्वेजन सिर्फ चेक करो ऑनलाइन में आ गया क्या यस yes. सभी लोग आ गया शुड आई मूव अहेड एटी डन चलो वी have डन with एटी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर जब तक के जिन जिन बच्चों का ऑनलाइन छूटा है मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं आप लोग क्वेश्चन नंबर फाइव सॉल्व कीजिए एट्टी ई लिखना है शॉर्टकट में इंटरेस्ट ऑन एजुकेशनल लोन लिखना है अतुल भाई एक बार इधर हाँ जी दो मिनट के लिए शाम रहिए आई डोंट नो शायद ये बार बार लैग आ रहा है इस वजह से हो रहा है राइट right? बार बार लैग आ रहा है इसलिए हो रहा है मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ प्लीज़ सुनिए ए टी ई इंटरेस्ट ऑन एजुकेशनल लोन एनी अमाउंट बराबर है लास्ट में लिखिएगा लोन फ्रॉम एफ आई दैट इज लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड सेकेंड ई डी यू एजुकेशन की जगह सिर्फ ई डी यू लिखी है एजुकेशन ऑफ स्पाउस चिल्ड्रंस टू होम अस एसीज गार्डियन म अस इज गार्डियन अरे ये इंटरनेट बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है अरे वो पॉज ओपन करना पॉज ओपन कर देख जाना नहीं चाहिए नहीं तो वापस तकलीफ होगा तो दो मिनट रुक जा देख दैट डन जिनका ये हो गया प्रॉब्लम नंबर फाइव सॉल्व करें बी हेज टेकन थ्री एजुकेशनल लोन्स ऑन फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री डिटेल्स ऑफ विच आर गिवन एज अंडर हमें तो सिर्फ जो इंटरेस्ट पे किया है उसका डिडक्शन मिलता है येस ऑन नो हु एजुकेशन पहला है बी इज एजुकेशन सन ऑफ बी डॉक्टर ऑफ बी डॉक्टर ही तो बोला मैंने डॉक्टर बोला मैंने वो डॉक्टर पढ़ रही होगी फिर कंप्यूटर द डिडक्शन इन एट्टी ई इफ़ बी हैज़ एक्सरसाइज ऑफ शिफ्टिंग आउट तो डोंट यू थिंक ट्वेंटी थाउजेंड प्लस ट्वें थाउजेंड प्लस एटीन थाउजेंड येस और नो यस तो आप सबसे पहले लिखेंगे क्या आंसर लिखिए सबसे पहले यहाँ पे एट्टी ई मैंशन करना होगा आपका जो सवाल था खुद के एजुकेशन के लिए मिलेगा क्या उसका जवाब इसी क्वेश्चन में लिखिए एज पर सेक्शन एट्टी ई आंसर लिखिए as per section 80e if interest on educational loan if interest on educational loan is paid if interest on educational loan is paid Then deduction shall be allowed. Then deduction shall be allowed for the interest paid. Then deduction shall be allowed. The interest paid, therefore, deduction under section eighty E is equal to. বোলো বেয়া টুৱেণ্টি থাউজ প্লছ টেন থাউজেণ্ড প্লছ এটিন থাউজেণ্ড ज द डन चलो बहुत बढ़िया बेटा आ जाइए अभी आ रहा है क्या लैग ऑल सॉटेड है ना एक पाँच मिनट चेक कर लेना सिर्फ हाँ चलो जीज कम टू द नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट सेक्शन इज एटी जी जी ए ऑन द फर्स्ट पेज द नेक्स्ट सेक्शन इज एटी जी जी ए सर ना वॉट इज दिस ए टी जी जी ए साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट ध्यान से सुनिए लेट से विजय है वो क्या करता है डोनेशन देता है किस पर्पज के लिए टू अप्रूव्ड एसोसिएशन लिखना कुछ भी नहीं है टू अप्रूव्ड एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च फॉर साइंटिफिक रिसर्च अब इसका पूरा टैक्स एंगल समझना विजय का अगर पीजीबीपी इनकम है तो ये पर्टिकुलर डिडक्शन अलाउड है अंडर सेक्शन थर्टी फाइव सी सी ए अगर विजय का पी जी बी पी इनकम नहीं है तो यही डिडक्शन अलाउड है अंडर सेक्शन एट्टी जी जी ए अगर विजय के पास पीजीबीपी इनकम है तो विजय विल क्लेम दिस पर्टिकुलर डिडक्शन इन थर्टी फाइव सी सी है अगर विजय के पास पीजीबीपी इनकम नहीं है यही डिडक्शन एट्टी जी जी ए में विजय क्लेम कर लेगा सो so, इस सेक्शन का डिडक्शन तभी मिलेगा इस सेक्शन का डिडक्शन तभी मिलेगा वेन विजय डू नॉट है पी जीबीपी इनकम बराबर है राइट दूसरी बात ही ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट स्कीम तीसरा डिडक्शन कितने मिलेगा इन दोनों सेक्शन में डिडक्शन कितना था बेटा हंड्रेड परसेंट इन दोनों ही सेक्शन में डिडक्शन जो है ये कितना है बेटा हंड्रेड परसेंट ये हुई एक बात दूसरी बात जिस अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन को ये डोनेशन मिल रहा है उसके लिए क्या होगा उसकी इनकम जो है वो एग्जम्ड है अंडर सेक्शन टेन तो ऐसे अप्रूव्ड एसोसिएशन आप ये चीज मेरे साथ सीए फाइनल में पढ़ेंगे टैक्सेशन ऑफ अदर एसएससी में तो टैक्सेशन ऑफ अदर एस एस सी में एक पूरा चैप्टर है वहां पर हम ये आस्पेक्ट पढ़ेंगे इंटर में आपको ये पढ़ाया जाता है फाइनल में ये पढ़ाया जाता है समझ मी बात तो और ये पूरा इंटरलिंक्ड है सो so, जो भी व्यक्ति है एटी जी के अंदर में डिडक्शन लेगा इफ ही डू नॉट ऑप्ट फॉर हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी एस सी काय के लिए जो साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं राइट जो साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं उसका जो डोनेशन है वो इसके अंदर में क्या होता है कवर होता है येस ऑ नो राइट तो चेक करिएगा असेसी हु हैज नॉट पी जी बी पी इनकम येस ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट स्कीम हैज टेकन साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को अप्रूव एसोसिएशन को या सम पेड फॉर नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट हंड्रेड परसेंट अलाउड प्रोवाइडेड इफ समू थाउजेंड देन इट शुड बी पेड बायस सपोज मैंने किसी को डोनेशन दिया और उसका डिडक्शन उसका जो अप्रूवल है वो विड्रॉ कर दिया सीबीडी टी ने क्या मुझे डिडक्शन मिलेगा यस yes. जिस टाइम पे मैं डोनेशन दे रहा हूँ उस टाइम पे अगर अप्रूव है और मेरे डोनेशन देने के बाद दो दिन बाद उसका अप्रूवल विड्रॉ हो गया क्या मुझे डिडक्शन मिलेगा यस सो नो विड्रॉल ऑफ डिडक्शन इवन इफ अप्रूवल इज विड्रॉन समझ में आई बात चलो रजिस्टर में जाओ एटी जी जी ए यस चलिए लिखिए डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट स हम्म बोलो बेटा कितना हंड्रेड परसेंट लास्ट में लिखिए इफ अमाउंट एक्सीड टू थाउजेंड इफ अमाउंट एक्सीड टू थाउजेंड इट मस्ट बी पेड इट मस्ट बी पेड बोलो बेटा वाया अप्रूव्ड मोड अब ये अप्रूव्ड मोड लिख लो अप्रूव्ड क्यों चेक से भी चलेगा यू पी आई से भी चलेगा बीम पे से भी चलेगा डेबिट कार्ड तो सीधा अप्रूव्ड मोड लिख दो सही है ब्रो चलिए अब अगर आप देखेंगे आई थिंक वी हैव डन एवरीथिंग ऑन पेज वन एवरीथिंग ऑन पेज टू एंड देर इज समथिंग विच इज़ केप्ट ऑन पेज फोर यस एटी डी ही वहां पे पेंडिंग है यस और नो बट पहले हम आ रहे हैं एटी डबल ई पे हम पहले आ रहे हैं एटी डबल ई पे एटी डबल ई अब प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए अगेन एटी डबल ई किस चीज के लिए है असेसी हु हैज ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट स्कीम बाय डिफॉल्ट में दूसरा अब ये क्या था पहले इसका हिस्ट्री समझ लेते हैं 2016-17 एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ने क्या किया था फर्स्ट टाइम जो घर ले रहे हैं उनको क्या दिया था बेनिफिट दिया था राइट अब ये बेनिफिट क्या था इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का बेनिफिट था इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन हमें हमेशा से 24 फोर बी एच पी कैलकुलेट करते वक्त मिला ही है लेकिन ये उसके अलावा था इन एडिशन देयर टू था इन एडिशन देयर टू था तो एचपी में जो डिडक्शन मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा पर आपको यहाँ पे एटी के अंदर में डिडक्शन मिला था आज इस सेक्शन में कोई बेनिफिट नहीं है अगर आपने उस साल में लोन अप्रूव नहीं कराया तो और अगर उस साल में लोन अप्रूव हुआ है तो आपको आज भी उसका क्या मिल रहा होगा डिडक्शन अब ये क्या था ये कहता था कि एस जो है दैट इज इंडिविजुअल ये अगर इंटरेस्ट पे कर रहा है ऑन हाउसिंग लोन 24 बी में जो डिडक्शन मिल रहा है मिलेगा मिलेगा हम यहाँ उसको एडिशनल डिडक्शन देंगे सब्जेक्ट टू कुछ कंडीशन वो सेटिस्फाई कर दे सब्जेक्ट टू कुछ कंडीशंस वो क्या कर दे सेटिस्फाई कर दे येस yes. पहला कंडीशन क्या था लोन जो लेना है वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है दूसरा ये हाउस का वैल्यू 50 लाख रुपीज तक होना चाहिए दूसरा हाउस का वैल्यू कितने तक होना चाहिए? फिफ्टी लैख लोन का अमाउंट नहीं होना चाहिए आप एक पास्ट डेटेड प्रोविजन पढ़ रहे हैं पास्ट डेटेड प्रोविजन का बेनिफिट आज भी मिलेगा अगर लोन सिक्सटीन सेवनटीन में सैंक्शन हुआ है अगर लोन सिक्सटीन सेवनटीन में क्या हुआ है बेटा सैंक्शन समझ में आ रही है बात सो so, टेक्निकली एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि 16-17 में पास हुआ वाला लोन है राइट right? तो एग्जामिनर इतना ज़्यादा फोकस आपको इस पॉइंट पे नहीं देता फिर भी चेक कीजिए इफ यू शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट स्कीम अससी कौन होना इंडिविजुअल एच यू सॉरी इंडिविजुअल रेसिडेंट मे बी नॉन रेसिडेंट क्या पे करना है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन तो इंटरेस्ट पेड और 50000 व्हिच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट पेड और 50000 व्हिच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा फर्स्ट डिडक्शन इज टू बी क्लेम फ्रॉम 24B HP और बैलेंस जो बच गया वो आप यहां से क्लेम कर सकते हो 80EE बैलेंस -E. जो बच गया आप वो यहां से क्लेम कर सकते हो 80EE राइट कंडीशन क्या है फ्रॉम बैंक ऑफ द हाउस अपि इज सीज अपर्टी फाइव लैक एंड ही डॉट ओन एनी रेसिडेंशियल हाउस एज ऑन द डेट ऑफ सैक्शन ऑफ लोन जैसे कि मैंने कहा फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए यह डिडक्शन दिया गया था ये सोनो एग्जाम में इतना ज्यादा नहीं पूछेगा एटीई शॉर्टकट में जाओ एटी इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन हो गया थर्ड में लिखिए एक्चुअल और फिफ्टी थाउजेंड विच इज़ लोअर तो एक्चुअल को आप ए लिखना चालू कर दो अगर खुद को समझ जाए तो ए और फिफ्टी के विच इज़ लोअर यस लास्ट में लिखिए कंडीशंस लास्ट में लिखिए कंडीशन एरो आगे कीजिए लिखिए रिफर नोट्स एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पूरा पूरा नहीं लिखना बट देर आर कंडीशन विच नीड्स टू बी सैटिस्फाइड है इज दिस डन चलिए इसी से रिलेटेड एक और सेक्शन है -E -E इसी से रिलेटेड एक और सेक्शन है से -E -E पेज नंबर सिक्स पे आपको देखने को मिल जाएगा बराबर है ऐसा ही एक सेक्शन सोलह सत्रह में लेके आए थे कुछ सालों बाद फिर से ऐसे ही एक सेक्शन को रीइंट्रोड्यूस किया विध हायर डिडक्शन अगेन किसके लिए इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन सरकार समय समय पे क्या करती रहती है लोगों को घर लेने के लिए मोटिवेट करती रहती है इन तरीके के, के डिडक्शन को देने के लिए एक डिडक्शन जो 24 बी में है वो सदियों से चलते आ रहा है सदियों तक चलता रहेगा ये उसके अलावा होता है कि किसी पर्टिकुलर ईयर में वापस से रियल इस्टेट को बूम करने के लिए क्या करते लोगों को डिडक्शन देते रियल इस्टेट बूम करवाते और इस तरीके से दोनों का विन विन सिचुएशन क्रिएट करते अगेन ये बेनिफिट तभी मिलेगा यू शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट स्कीम अब तक जितने प्रोविजन पड़े सब तभी मिलेंगे यू शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट स्कीम एस कौन होना चाहिए इंडिविजुअल जो एटी में कवर नहीं है तो अगर एटी में वो बेनिफिट ले चुका है तो यहाँ नहीं ले पाएगा क्लियर है आप अगेन इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ऑन हाउसिंग लोन आपको डिडक्शन मिलेगा एक्चुअल इंटरेस्ट और वन लैख फिफ्टी थाउजेंड विचवर इज लोअर एक्चुअल इंटरेस्ट और वन लैख फिफ्टी थाउजेंड विचवर इज लोअर विच इज अपार्ट फ्रॉम ट्वेंटी फोर बी ज अपार्ट फ्रॉम ट्वेंटी फोर बी यस अच्छा जी यहां की कंडीशन क्या है लोन मस्ट बी टेकन अगेन फ्रॉम बैंक इंटरेस्ट आपने पे करना है स्टैंप वैल्यू ऑफ द हाउस डज नॉट एक्सीड फोर्टी फाइव लैख यानी आप देखिए बड़े घर के लिए नहीं छोटे घरों के लिए बेनिफिट दिया जा रहा है लोन मस्ट भी सैक्शन बिटवीन टू थाउजेंड एंड नाइनटीन टू टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू ये जो लोन है 2019 से 2022 के बीच में सैंक्शन होना चाहिए मतलब यहाँ पे 1920, 2021, ऐसे तीन साल कवर कर रहा है ये यस इट शुड नॉट ओन मोर देन वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ सैंक्शन एंड इट हैज नॉट टेकन द डिडक्शन इन एनी अदर सेक्शन विच मीन एटी ई यस तो एट्टी में क्या था एक्चुअल और फिफ्टी विच एवर इज लोअर कई सालों बाद 2019 से 22 के बीच में फिर इस सेक्शन को लाया गया नए नाम से और अब बोला एक्चुअल और वन लाख फिफ्टी थाउजेंड विच एवर इज लोअर बोथ द सेक्शंस आर अपार्ट फ्रॉम ट्वेंटी फोर बी पहले ट्वेंटी फोर बी क्लेम करोगे जो बचा हुआ पोर्शन होगा वो यहां क्लेम करोगे क्लियर है जाओ एट्टी अगेन एग्जाम में ये भी बहुत कम पूछेगा क्योंकि हम उसके भी दो साल आगे आ गए समझ में आ रही बात तो ये दिए तो हैं पर पूछने नहीं वाले एटीई इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन एक्चुअल और वन लैख फिफ्टी थाउजेंड विचर इज लोअर और वन पॉइंट फाइव एल विचवर इज लोअर लास्ट में लिखिए कंडीशंस रिफर नोट इज आर डन ओके गाइज रिवाइज विथ मी फॉर वन सेकेंड वॉट इज वट वॉज ए टी 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 ए इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट डिडक्शन कितना नीचे का चार्ज जो आपने अब तक बनाया उसी से रिवाइज करो वापस एक्चुअल और टेन थाउजेंड विच ऐर इज लोअर ए टी 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 बी इंटरेस्ट ऑन डिपोजिट एक्चुअल और फिफ्टी थाउजेंड विच ओवर इज लोअर जी जी बी इंडियन कंपनी टू पॉलिटिकल पार्टी एनी अमाउंट पॉलिटिकल पार्टी एनी अमाउंट डी डी सॉरी एटी यू हैंडी कैपेसी सेवेंटी फाइव थाउजेंड वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डिसबल डिपेंडेंट सेवेंटी फाइव थाउजेंड वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डरावनी डरावनी बीमारियां नॉन सीनियर एक्चुअल और फोर्टी विच एवर इज लोअर सीनियर एक्चुअल और वन लैख विच एवर इज लोअर क्लियर है इसके बाद हमने पढ़ा एटी ई एटी ई इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन हंड्रेड परसेंट एटी ई ई इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन एटी ई ई ए इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन पहला वाला सोलह सत्रह के रेंज वाला दूसरा वाला उन्नीस बाईस रेंज वाला याद आ रहा है क्या पहले वाले में फिफ्टी दूसरे वाले में वन फिफ्टी और एक्चुअल बिचवरी इज लोअर फिर हमने एक और किया एटी जी जी ए साइंटिफिक रिसर्च 100% परसेंट अलाउड एज डिडक्शन ये टिल दिस टाइम 11 डिडक्शन हमने कंप्लीट कर लिया टिल दिस टाइम हमने 11 डिडक्शन को कंप्लीट कर लिया एवरीबॉडी यस yes? चलो बढ़ते हैं आगे अब तक सारे सेक्शन वो पढ़े विच इज नॉट अवेलेबल इफ यू ऑप्ट फॉर द डिफॉल्ट स्कीम चलो नेक्स्ट आता है ई बी नेक्स्ट आता है ई e बी -E ये आपको पूछा जा सकता है और शायद रिसेंट पास्ट में पूछा भी गया था यस इलेक्ट्रिकल वहीकल अगेन देखिए एट्टी ई जहां पर भी आया ना ई e का मतलब इंटरेस्ट आप कहीं पे भी देखिए चाहे वो इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन हो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन हो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन इन 1922 ट्वेंटी हो ई आया मतलब वो इंटरेस्ट की बात कर रहा है ये yes सोनो no? तो ई व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए 2019 के अंदर में एक प्रोविजन लेकर के आया राइट कि अगर कोई भी एस एस सी है टू से टू के बीच में ई व्हीकल ले रहा है और ये ई व्हीकल वो लोन पे ले रहा है इंटरेस्ट पेड ऑन सच लोन इज अलाउड एज डिडक्शन मैक्सिमम अप टू रुपीज वन लैख फिफ्टी थाउजेंड मैक्सिमम अपू रुपीज वन लैख फिफ्टी थाउजेंड तो अगर आप ई वहीकल ले रहे हैं दो हजार उन्नीस से दो हजार तेवीस के बीच में आपने लोन ले रखा है इस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है डेढ़ लाख रुपए तक के अलाउड एज डिडक्शन है यस yes. इसीलिए आपको सड़कों पर इतने ईवी दिखने शुरू हो गए क्यों क्योंकि एक तरफ लोगों का गाड़ी लेने का सपना भी पूरा हुआ बैंकिंग सिस्टम लोन लेने के कारण मजबूत हुआ और आपको डिडक्शन भी मिल गया सिचुएशन फॉर द होल इकोनॉमी समझ में आ रही बात सो अवेलेबल ओनली इफ यू ऑप्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट स्कीम असची कौन होना चाहिए इंडिविजुअल लोन जो लेना है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी से लेना है लोन दो हजार उन्नीस से दो हजार तेवीस के बीच में लेना है एंड डज नॉट ओन एनी अदर ई व्हीकल तो लोग तो क्या कर रहे हैं मालूम है एक खुद के नाम से एक वाइफ के नाम से दोनों डायरेक्शन क्लेम कर रहे क्योंकि उसके पास एक से ज्यादा व्हीकल नहीं होना ना पर घर में एक से ज्यादा व्हीकल हो सकती है ना एक्चुअल और एवर इज लोअर नो अच्छा अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मीनिंग है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनना इलेक्ट्रिकल व्हीकल का मतलब है प्योर ईवी यस हाइब्रिड वालों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल वाले तो सवाल ही नहीं उठता यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मतलब है वो है प्योर ईवी डेफिनेशन देख लीजिए व्हीकल इ अ व्हीकल विच इज पावर्ड एक्सक्लूसिवली बाय इलेक्ट्रिक मोटर हुज ट्रैक्शन एनर्जी इज ट्रांजेक्शन नहीं है ट्रैक्शन है वो हूज ट्रैक्शन एनर्जी इज सप्लाइड एक्सक्लूसिवली बाय ट्रैक्शन बैटरी इंस्टॉल्ड इन द व्हीकल एंड हैज इलेक्ट्रिक रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम विद ड्यूरिंग द ब्रेकिंग प्रोवाइड फॉर कन्वर्जन ऑफ व्हीकल काइनेटिक एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको इस पूरी डेफिनेशन को देख के समझ में आ गया सीधे शब्दों में इसको कट करना प्योर ईवी नॉट हाइब्रिड એક શબ્દ મેં ચીજ ખતમ હોય દેટ કોમર્સ સ્ટુડન્ટ ઇના લંબા કભી પડત સીધે શબ્દો મેં એટ્રેકશન એનર્જી કાઇનેટિક એનર્જી ઇન્ટુ ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી હમ એનર્જી નહીં જતા એનર્જી વર્ડ યુઝ કર લીધે શબ્દો મેં પ્યોરલી ઈ વી નોટ હાઈબ્રિડ બરાબર એટી જલ્દી ઇ બી रजिस्टर में जाओ एटी ई बी इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर ईवी इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर ईवी ए और वन पॉइंट फाइव एल विच एवर इज लोअर और वन पॉइंट फाइव एवर इज लोअर लास्ट में कंडीशंस में लिखिए रिमार्क्स जो है वहां पे लिखिए पॉइंट नंबर वन लोन फ्रॉम एफआई और एनबीएफसी लोन फ्रॉम एफआई और एनबीएफसी सेकेंड, सेकेंड, लोन बिटवीन 2019 टू 2023. बराबर है? और तीसरा लिखिए असिस्ट शुड बी आए, या सीधा असिस्ट शुड बी आए बताते हुए एक और बार खुशी हो रही है ए आई आर ट्वेंटी आज सी एम ए वालों का रिजल्ट था सी एम ए इंटर सी एम ए फाइनल तो अब तक के छ सात चौदह पंद्रह बाईस तो आ गए ट्वेंटी टू देखते जिसको क्या, क्या पार्टी वो भी मैं तू तुमको पिज़्ज़ा हाँ बिरयानी 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 हाँ और कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक अरे कोल्ड ड्रिंक तो बना अरे चलो आ, फोकस फोकस लाड़ में नहीं आते चलो अब आते हैं बेटा एटी क्यू क्यू बी एटी क्यू क्यू बी क्यों आखिर क्यों ये बुक्स बनाई शायद आपके पेज नंबर टेन पे होगा पेज नंबर आगे पीछे हो सकता है डोंट वरी एटी क्यू क्यू बी आखिर क्यों ये बुक्स बनाई ठीक है याद रखने का तरीका यही है क्यों आखिर क्यों ये बुक्स बनाई रॉयल्टी ऑन बुक्स रॉयल्टी ऑन बुक्स बोलो बेटा अब देखिए क्या है मान लीजिए अगर आप इंडिविजुअल हैं रेसिडेंट है और बुक के ऑर्थर है सर किस प्रकार की बुक किसी भी प्रकार की ठीक है तो किसी भी प्रकार की बुक के आप ऑर्थर हैं आपने बुक बनाई किसी और को दे दी चाहे वो बुक फिजिकल फॉर्मेट में हो या ई e फॉर्मेट में राइट right? और उससे आपको मिलती हो रॉयल्टी यस yes? तो ये रॉयल्टी जो आपको मिल रही है चाहे लमसम में हो चाहे एन्यूटी में हो थ्री लाख रुपीज तक का सॉरी अगर लमसम में है तो एक्चुअल और थ्री लाख विच एवर इज लोअर और अगर एन्यूटी में मिलती है एन्यूटी का मतलब होता है जितनी बुक सेल होगी उसके बेसिस पे रॉयल्टी राइट तो 15%, मैक्सिमम फिफ्टीन परसेंट मैक्सिमम फिफ्टीन परसेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड इज अलाउड एज डिडक्शन ये सोनो तो चलिए अगर विजय इंडिविजुअल है विजय ने कोई बुक लिखी है और विजय इसे किसी पब्लिकेशन को देता है तो जनरली जो बुक होती है अगर ये पब्लिकेशन के थ्रू होगी तो उस बुक के ऊपर लिखा होता है कि हाँ ये कोई ना कोई पब्लिकेशन से आई है राइट तो अगर ऐसे किसी पब्लिकेशन से ये आई होगी वो पब्लिकेशन हमें कोई रॉयल्टी दे रहा होगा लमसम रॉयल्टी या एन्यूटी तो हमको डिडक्शन मिलेगा एक्चुअल और थ्री लैक विच एवर इज़ लोअर और अगर एक एक बुक सोल्ड पे रॉयल्टी है तो फिफ्टीन परसेंट ऑफ़ द वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड का डिडक्शन मुझे मिलेगा बस एक ही चीज होनी चाहिए जो पब्लिकेशन हाउस है वो मेरे को सिर्फ एक फॉर्म भर के देगा कि हम इसको रॉयल्टी दे रहे हैं इन शॉर्ट सर्टिफाई करेगा कि हाँ हमने इससे बुक ली है और रॉयल्टी दे रहे हैं समझ में आ रही बात राइट अवेलेबल तभी होगा वेन यू ऑप्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट स्कीम वेन यू ऑप्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट स्कीम इंडिविजुअल रेसिडेंट ऑर्थर होने चाहिए लमसम रॉयल्टी है तो एक्चुअल और थ्री लैख एवर इज लोअर अदर देन लमसम रॉयल्टी है तो अप टू फिफ्टीन परसेंट ऑफ वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड सर्टिफाइड होना चाहिए प्रिस्क्राइब फॉर्म के अंदर में अगर ये रॉयल्टी आप आउटसाइड इंडिया अर्न कर रहे हैं तो यू हैव टू ब्रिंग इट इन इंडिया विद इन सिक्स मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर ऑल टाइम अलाउड बाय आरबीआई तो यही रॉयल्टी आपको मान लीजिए फॉरेन से मिल रही है जैसे मैं आपको बताता हूं एक पब्लिकेशन uh, है पेंग्विन पब्लिकेशन यस सो लेट से मैंने मेरी बुक पैंगविन पब्लिकेशन्स को दी और वो मेरे को इंटरनेशनल है वो मेरे को अगर रॉयल्टी दे रहे होंगे तो ये जो रॉयल्टी है राइट जो मैंने फॉरेन में अर्न की है इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए मुझे उस रॉयल्टी को ईयर एंड होने के बाद छः महीने के अंदर में कहाँ लाना पड़ेगा इंडिया येस yes, इंडिया में लाना पड़ेगा तो ही मुझे इसका डिडक्शन मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा येस ऑन नो राइट एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछते राइट डाउन एटी क्यू क्यू बी एटी क्यू क्यू बी रॉयल्टी ऑन बुक्स एटी क्यू क्यू बी रॉयल्टी ऑन बुक्स एक्चुअल और थ्री लैक विच एवर इज लोअर एर थ्री एल डब्ल्यू आई एल और फिफ्टीन परसेंट ऑफ बुक्स होल्ड और फिफ्टीन परसेंट ऑफ बुक्स होल्ड उसी के नीचे लिखना ब्रैकेट में फॉर एन्यूटी एन्यूटी इज अर डन ओके क्वेश्चन नंबर थ्री आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर थ्री आप सभी के लिए Tell me what is your opinion? Mark this question as important. इस तरीके का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सर जी डन आकाश अंड रॉयल्टी टू एटी एट थाउजेंड फ्रॉम अ फॉरन कंट्री फॉर अ बुक ऑथर्ड बाय हिम द रेट ऑफ रॉयल्टी इज एटीन परसेंट ऑफ वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड हमें तो मैक्सिमम पंद्रह ही अलाउड है तो अठारह परसेंट पे मेरे टू एटी एट मिले हैं तो पंद्रह परसेंट पे कितना निकालिए जरा टू एटी एट थाउजेंड पंद्रह बाय पंद्रह टू लैख फोर्टी थाउजेंड यस यानी मैक्सिमम डिडक्शन टू फोर्टी तक आ सकता है अगर आगे की कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर अर्निंग द रॉयल्टी इज फोर्टी थाउजेंड अच्छा द अमाउंट रिमिटेड टू इंडिया टिल थर्टी से अब देख पंद्रह परसेंट कितना हो रहा था टू फोर्टी पर लाया कितना टू थर्टी तो टू थर्टी से ऊपर का एग्जामेशन मिल नहीं सकता ठीक है इस टू थर्टी में अब टू फोर्टी का फिगर भी बाजू कर दो आ गए हम टू थर्टी पे टू थर्टी में से जितना खर्चा किया है वो तो माइनस करोगे कि नहीं करोगे यस और ये तो रॉयल्टी एंड है रॉयल्टी एंड में से खर्चा माइनस करोगे तो नेट इनकम आएगा ना कितना खर्चा किया इसको पाने के लिए फोर्टी थाउजेंड यस लॉजिकली आपका डिडक्शन कितने पे आना चाहिए 190 नाइनटी सेंसिबल लग रहा है ये बात कंप्यूट अमाउंट ऑफ दूडेबल इन ग्रॉस टोटल इनकम देख ग्रॉस टोटल इनकम में तो तेरी पूरी इंक्लूडेबल इनकम होनी चाहिए अब तेरी इंक्लूडेबल इनकम जो रॉयल्टी इनकम है जो तेरी इनकम में इंक्लूड की जाएगी दैट शुड बी 288 एटी एट माइनस फोर्टी तेरी टोटल इनकम में ऐड होनी चाहिए भाई 288 एटी एट रिसीव्ड माइनस फोर्टी पर डिडक्शन तेरे को 190 का ही मिलना चाहिए समझ में आ रही है बात लिखो प्रॉब्लम नंबर थ्री प्रॉब्लम नंबर थ्री सो फाइनल का फास्टैग बहुत अच्छा चल रहा है कॉन्फिडेंस आ रहा है थैंक यू मालिक चलो लिखो आगे the net royalty earned. the net royalty earned. that is 2 lakh 88,000 minus 40,000 shall be included in gross total income shall be included in gross total income however the deduction shall be however the deduction shall be डिडक्शन चलवी बोलो कितना डिडक्शन चलवी फर्स्ट रॉयल्टी टू एटी एट इन फिफ्टीन बाई एटीन दैट इज टू लैख फोर्टी थाउजेंड लिखो लिखो बताता हूँ Is that done? अब बताइए ये पूरा मिलेगा या ये भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा रिस्ट्रिक्टेड टू अमाउंट ब्रॉट इन इंडिया टू लैख थर्टी थाउजेंड अमाउंट ब्रॉट इन इंडिया टू लैख थर्टी थाउजेंड लेस एक्सपेंसेस Forty thousand net deduction one lakh ninety thousand. ने जी चलो वो थर्ड नेक्स्ट आते हैं 80 आर आर बी शॉर्टकट लिख लिया ना आपने शॉर्टकट लिख लिया ना नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं 80 आर आर बी नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं ए टी आर आर बी डन चलिए अब ये भी रॉयल्टी पे ही है रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स पे है वो वाला बुक्स पे था ये वाला किसके ऊपर है पेटेंट्स इंडिया में बहुत सारे इंजीनियर्स हैं एंड अपने बहुत सारे पेटेंट उन्हें रजिस्टर करा रखे हैं इस पेटेंट रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में कोई रॉयल्टी मिली होगी इस रॉयल्टी का डिडक्शन मिलेगा एक्चुअल और थ्री लैख एवर इज लोअर एक्चुअल और थ्री लैख एवर इज लोअर येस और नो सो अगेन बेनिफिट तभी मिलेगा इफ यू ऑप्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट स्कीम इंडिविजुअल रेसिडेंट पेटेंट ही रजिस्टर्ड आपने होना चाहिए इंडिया में अर्न किया एक्चुअल और थ्री लैख एवर इज लोअर आउटसाइड इंडिया अर्न किया तो जितना मनी आप इंडिया में ब्रॉड करते हैं विद इन सिक्स मंथ और थ्री लैख इज लोअर सेम ही है वही पे बस वो 15 परसेंट की जगह फॉरेन से भी अगर आप अर्न करके ला रहे हैं तो जितना इंडिया में लाया और थ्री लैख इज लोअर का डिडक्शन दिया गया है राइट आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जो भी आपको पे कर रहा है कि हाँ हमने इसे पेटेंट लिया और रॉयल्टी दिया डिडक्शन रॉयल्टी से ऊपर की नहीं हो सकती और डबल डिडक्शन इस सेक्शन में परमिटेबल नहीं है यस yes? अगेन ये तो आज तक कभी पूछा भी नहीं है 80 आर आर बी रजिस्टर में जाइए 80 आर आर बी रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स एक्चुअल और थ्री लाख एक्चुअल और थ्री लैख विच एवर इज लोअर एक्चुअल और थ्री लैख एवर इज लोअर इज अ डन चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे बात करते हैं Eden, 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 Eden. okay guys let's come to the another deduction atc let's come to the another deduction atc डन मालिक चलो सर ए रजिस्टर में हम लोग जरूर लिखेंगे सुनिए ये क्या है सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है राइट सबसे मतलब ये तो एक कॉमन चीज है जो हर प्रॉब्लम में रहेगी रहेगी अब ए के अंदर में काय में अमेंडमेंट है क्या अमेंडमेंट है येस अमेंडमेंट है कहाँ अमेंडमेंट है एल के एस्पेक्ट्स में अमेंडमेंट है जो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं यू नो आई में भी पढ़ते हैं अब अंडरस्टैंड करना ए किसके लिए बेनिफिट अवेलेबल है इंडिविजुअल एच चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो इसका डिडक्शन ले सकता है द मैक्सिमम डिडक्शन अंडर ए इज एक्चुअल और वन लैख फिफ्टी थाउजेंड विच एवर इज लोअर मिलेगा तभी यू ऑप्ट आउट ऑफ द डिफ़ॉल्ट स्कीम यस इतना बड़ा सेक्शन अब आपके काम का नहीं रहा अगर आप डिफ़ॉल्ट स्कीम में हैं तो ठीक है तो पहले जहाँ बहुत मेहनत करते थे अब, अब अगर डिफॉल्ट स्कीम नहीं है तो ही इस सेक्शन पे मेहनत करनी है नहीं तो नहीं करनी है अच्छा पेमेंट कहीं से भी किया जा सकता है एग्जाम इनकम से भी किया जा सकता है यस yes, अब डिडक्शन किन किन चीज़ों का मिलेगा आइए रजिस्टर में लिखिए ए टी सी ए टी सी असेसी कौन होना चाहिए सर असेसी एस मस्ट भी इंडिविजुअल एच यू एफ आर ओब्लिक एन आर अस मस्ट भी इंडिविजुअल एच यू एफ आर ओब्लिक एन आर येस Contribute to approved schemes deduction actual or one lakh fifty thousand, whichever is lower, actual or one lakh fifty thousand, whichever is lower. Contribute in Pella LIP that is life insurance policy. Is that done, Malik? चेक मैं एल का टैक्सेबिलिटी समझा रहा हूँ दो मिनट पहले पेन नीचे रखना क्योंकि इसमें अमेंडमेंट है और फिर ही समझना देखो ये आपके विज्जू सर विज्जू सर लेट से एल को प्रीमियम पे कर रहे हैं बराबर विज्जू सर क्योंकि प्रीमियम पे कर रहे हैं विज्जू सर को क्या मिलेगा डिडक्शन अंडर सेक्शन एटी सी इफ ऑप्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट स्कीम बराबर है अब ध्यान से सुनना एल जब भी विज्जू सर को फाइनल अमाउंट देगी फाइनल अमाउंट देगी अलोंग विद द बोनस याद है टैक्सेबल होगा या एग्जाम होगा एग्जम्ट होगा टू वी जे अंडर सेक्शन टेन टेन डी इफ कंडीशंस सेटिस्फाइड कुछ याद आ रहा है यूलिप में भी हमने सेम काम किया था राइट right? कंडीशंस क्या क्या है कंडीशंस क्या क्या है सर कंडीशन ये है दैट प्रीमियम शुड नॉट एक्सीड्स द लिमिट प्रिस्क्राइब अब ये लिमिट प्रिस्क्राइब कितनी है ध्यान से सुनना यहीं चेंज है इफ द पॉलिसी इशूड प्रायर टू थर्टी वन टॉरी थर्टी वन वन टू थाउजेंड एंड ट्वेल्व ये है ट्वेंटी परसेंट ऑफ सम अशॉर्ड मतलब किसी भी साल में आपका प्रीमियम सम समीस परसेंट से ऊपर नहीं होना चाहिए अगर पॉलिसी 2012 के दो हजार है अगर पॉलिसी 2012 के दो हजार है तो किसी भी साल में प्रीमियम 20 ऑफ सम के ऊपर नहीं होना चाहिए अब यह सम समशॉर्ट क्या होता है सम एशॉट का मतलब अपन बोलते ना भैया कितने की पॉलिसी ली पांच लाख की पॉलिसी ली पांच लाख मतलब अगर तुम्हें कुछ भी हो जाए तो कितना अमाउंट मिलेगा उसको हम कहते हैं सम एशॉर्ट उसको हम क्या कहते हैं सम समअशॉर्ट तो उसका 20 परसेंट से ऊपर अगर प्रीमियम नहीं है तो जो फाइनल अमाउंट मिल रहा है वो एग्जाम समझ में आ रही बात अगर पॉलिसी इशूड बिटवीन 2012 टू 31 मार्च 2013 इसको कर दिया गया 10% परसेंट ऑफ सम अशोर्ड इसको क्या कर दिया गया 10% परसेंट ऑफ सम अशोर्ड अगर पॉलिसी इशूड है ऑन और आफ्टर वन फोर टू थाउजेंड एंड थर्टीन तो यहाँ पे दो पार्ट बनाए गए नॉर्मल असेसी 10% टेन परसेंट ऑफ सम अशॉर्ड हैंडी कैप अस फिफ्टीन परसेंट ऑफ सम अब ये तो वो था जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो ये तो वो था ना जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो से यस बराबर है अब यहां पे इशूड है आफ्टर वन फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री नॉर्मल असेसी टेन परसेंट ऑफ सम अशोर्ड हैंडीकैप असेसी फिफ्टीन परसेंट ऑफ सम अशोर्ड मैक्सिमम प्रीमियम डू नॉट एक्सीड फाइव लैख एक चार दो हजार तेईस से द मैक्सिमम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम डिडक्शन यू कैन टेक इज फाइव लैख देखिए क्या किया उन्होंने परसेंटेज लिमिट तो लगाई थी इस बार से एक मॉनेटरी लिमिट भी लगा दी बराबर है इस बार से क्या कर दिया मॉनेटरी लिमिट इसीलिए इस साल अगर आप देखेंगे ना लोगों ने एल का पैसा न डाल करके वापस से स्टॉक मार्केट में लेके आए जिसके कारण पैसा बूम पे आया हम कह रहे हैं ना रिटेल इन्वेस्टर बढ़ गया क्यों क्योंकि पहले वो ये पूरा पैसा उठा के एल में डालते थे अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो वो लोग पहले दस लाख बीस लाख पचास लाख लेते थे लोगों ने ना पाँच पाँच करोड़ लेना चालू कर दिया था हाई प्रीमियम पे करते थे डिडक्शन डेढ़ लाख रुपए तक के क्लेम कर लेते थे उनको फर्क नहीं पड़ता था डेढ़ लाख का डिडक्शन क्लेम कर लेते थे लेकिन फाइनल अमाउंट जो मिलती थी बोनस के साथ वो बहुत बड़ी मिलती थी और पूरी की पूरी टैक्स फ्री होती थी समझ में आया तो लोग बहुत अलग प्लानिंग करते थे अब वो गेम ही ख़त्म कर दिया उन्होंने बोला भैया तुम पाँच लाख से ऊपर नहीं डालोगे वैसे तुमको डेढ़ लाख के ऊपर तो डिडक्शन मिल ही नहीं रहा तुम पाँच लाख के ऊपर नहीं डालोगे और फाइनल अमाउंट तभी एग्जाम्ट होगा जब तुमने दो के बाद प्रीमियम पाँच लाख से ऊपर पे नहीं किया अमेंडमेंट समझ में आया तो ये परसेंटेज का लिमिट जैसा था वैसा ही है इसमें एक मॉनेटरी लिमिट पांच लाख की एड कर दी गई है समझ में आया तो आपको टेन टेंडी का एग्जाम तभी मिलेगा जब प्रीमियम इन सालों में इन लिमिट्स के ऊपर ना गया हो यूलिप का हमने अलग से देख लिया अच्छा सुनते हो रुको ना इफ कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड तो क्या होता है इफ कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड अब ये यूलिप तो है नहीं तो ये टैक्सेबल हो जाएगा टैक्सीबल कहाँ होगा आई एफ ओ एस अब यही चीज आई एफ ओ एस में टैक्सेबिलिटी ऑफ एल आई पी नाम से आ जाती है समझ में आ रही बात यही चीज आई एफ ओ एस में क्या आ जाती है टैक्सेबिलिटी ऑफ एल आई पी अच्छा एक और बात समझिए अगर टैक्सेबल हुआ तो कंपनी विल डिडक्ट टी डी एस अंडर सेक्शन वन नाइनटी फोर डी एट द रेट ऑफ फाइव परसेंट ऑन अमाउंट रिसिव्ड माइनस अमाउंट पेड अमाउंट रिसिव्ड माइनस अमाउंट पेड द होल इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी समझ में आया देने वाले का क्या लेने वाले का क्या लेने वाले को सब दुनियादारी किस तरीके से होगी और ये एग्जामिशन किस को एल आई सी एक की है या विजे को है विजे ठीक है लिखना तो चाहोगे नहीं फोटो ही खींच लो तुम लिखना भी है क्या तुमको घर पे लिख ना ना लिखो खरा काय करायचे ते

Salah kah? Kabhi to haan बताओ बुक में पढ़ने जाते डेढ़ पेज पढ़ते नहीं नहीं पढ़ते और ये जो मैं आपसे बात कर रहा था ना इंस्टीट्यूट ने एक अमेंडमेंट दिया है एलआईपी को लेके वो यही है समझ में आया तो इंस्टीट्यूट ने जो आपको स्टैचूट्री अपडेट दिए हैं मे ट्वेंटी फोर के वो भी इसके साथ आपके खत्म हुए इस फास्ट ट्रैक में ही वो भी खत्म हुए तो वो अलग से पढ़ने का काम नहीं है ना कौन तुम्हें यू प्यार करेगा जैसे मैं करता हूं है ना? कुछ फाउंडेशन के बच्चे पीछे बैठे बेचारे होमवर्क कर रहे हैं उनको समझ ही नहीं रहा लाइफ में चल के आ रहा है बोल रहे हैं तो हमारा टोटल इकोनॉमिक्स था <laughs> 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 उनको पता ही नहीं तो है जितना वो इकोनॉमिक्स में पूरा डिमांड सप्लाई पड़ रहा है उतना तो उसी परकोजिट है बराबर है कि नहीं तुम बोलो उतर तो सिर्फ परिट है सर क्या आप उन्हें डरा रहे हो हाँ सर क्या आप उनकी मजा ले रहे हो है। कैसी बातें कर रहे हो जिसकी जिंदगी ने ले रखी हो मैं क्या लो सर टेस्ट क्या हुआ लेना यार मेरा वो हॉस्पिटलाइजेशन के चक्कर में सब थोड़ा सा मेस हो गया तो वो एक दो दिन में फाइनल करके डाल देता वरी शब्द दिलेले होणारच हे झालं का Is that done? उू डन चलो खत्म बड्डी खत्म हाँ जी पहला था इसमें एल आई पी दूसरा था दूसरा था आर पी एफ एस पी एफ एस ए एफ पी पी एफ याद है ओन कॉन्ट्रीब्यूशन अलाउड एज डिडक्शन अंडर ए टी सी तीसरा प्रिंसिपल ऑफ हाउसिंग लोन प्रिंसिपल ऑफ हाउसिंग लोन इंटरेस्ट इज कवर्ड अंडर ट्वेंटी फोर बी प्रिंसिपल इज कवर्ड अंडर ए टी सी दैट्स हाउ पूरे ई एम आई का डिडक्शन मिलता है जो आप पे करते हो घर के लिए इंटरेस्ट 80 सॉरी ट्वेंटी फोर बी प्रिंसिपल अंडर सी नेक्स्ट यूएलआईपी यूलिप का डिडक्शन एफ डी फॉर फाइव इयर्स केप्ड एट बैंक ऑब्लिक पोस्ट ऑफिस सुपर एन्युएशन फंड डिपॉजिट इन सुकन्या समृद्धि स्कीम डिपॉजिट इन सुकन्या समृद्धि स्कीम एन एस सी एन एस एस नैशनल सेविंग्स स्कीम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एंड द लास्ट वन जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है ट्यूशन फीस पेड सर मतलब आप जो तो ट्यूशन फीस सॉरी जो जो अकेडमी ट्यूशन फीस ले रही है <laughs> अपना तो फ्री फास्ट रखे भाई राइट <laughs> right? ट्यूशन फीस पेड फॉर फुल टाइम कोर्स तो आप समझ गए है ना फुल टाइम कोर्स फॉर एनी टू चाइल्ड इन इंडिया बराबर है तो आप लोग जो बीकॉम करते हो ना बीकॉम का आप एक चलन भरते हो चलन में कुछ तीस चालीस रुपए ट्यूशन फीस होती है आपको अरे सच में होती होती है अरे मस्ती नहीं कर रहा हूँ सच में उतनी होती, होती है आप कॉलेज में देखो तीस चालीस रुपए जो ट्यूशन फीस होती है ना बीकॉम की दैट कैन बी टेकन एज डिडक्शन तुम्हारे केस में बाकी अगर कोई इंजीनियरिंग कर रहा होगा पूरा देढ़ लाख डॉक्टर कर रहा होगा पूरा देढ़ लाख बी कॉम एम कॉम कर रहा होगा पूरा देढ़ लाख बी बी ए कर रहा होगा पूरा देढ़ लाख कोई तकलीफ नहीं तुम्हारे केस में वो तीस चालीस रुपए कैन बी अलाउड एज डिडक्शन ट्यूशन फीस पेड यस सर बी कॉम में भी ट्यूशन फीस होती वाह कैसी बातें कर रहे हो होती है ना बिल्कुल होती है सर फिर हम क्यों नहीं अटेंड करते यस, सो ट्यूशन फीस फेड फॉर फुल टाइम कोर्स फॉर एनी टू चाइल्ड इन इंडिया का, हाँ जी ऑल प्रोफेशन डन है सर नाइन्थ डिपॉजिट इन नाबार्ड बॉन्ड Or tier two NPS account, tier two NPS account. Is that done? परफेक्ट हो गया बेटा सो so, इतनी चीजें आपको ए के अंदर में क्या करनी है बेटा याद इज दैट डन लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपसे मिलूंगा डिडक्शन खत्म करने के लिए 15 मिनट्स का ब्रेक 5:15 को वापस मिलते हैं 5:20 करना है 5:15 करना है 5:20 ट्वेंटी okay. ओके फ़ाइव ट्वेंटी को फिर से मिलते हैं